हेलो नमस्कार प्रेमदुमार चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने वाले हैं और एक जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें बोला गया है कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करे सरकार। ठीक है, एक डेविड में बोला गया है, नेशनल मीडिया में बात चल रही है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें अपडेट पाने के लिए देख के वीडियो जी घोषणा करती हैं कि हम आपको रेगुलर करेंगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस की सत्ता के बाद भाजपा की आई, क्या उन अतिथि शिक्षकों के कारण उन्होंने यही बयान दिया था, एक तो कर्ज माफी और अतिथि शिक्षक, क्या इस सरकार ने अतिथि शिक्षकों को आज कुछ किया? आज भी अतिथि विद्वान वहां ग्वालियर में आंदोलन थे, अतिथि शिक्षक यहां मांग कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय सर, ये अगर 17 से 5वें नंबर पे एमपी आ गया और ऐसे स्कूलों में कुछ अगर सुधार कर दिया जाए तो फिर पहले नंबर पे आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, लेकिन आई कैसे? देखिए आसिफ जी, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात कीजिए, नेहा जी को जानकारी नहीं है, पॉलिसी कमलनाथ जी लेके आए थे मध्य प्रदेश में। उसके पहले ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में कोई पॉलिसी नहीं थी ट्रांसफर की, उसी पॉलिसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं और उसी पॉलिसी पे सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा कर्मियों को नियमित करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। 23 में सरकार आते ही मध्य प्रदेश में आएगा, मार्च 2020 में आखिरी कैबिनेट में अतिथि विद्वानों को नियमित करने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने सरकार गिरा दी। जो अतिथि शिक्षकों के केस कटवाने की बात करते हैं, 3 साल हो गए आपकी सरकार दोबारा बने हुए, आपने क्यों नियमित नहीं किया उन अतिथि शिक्षकों को? उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे आप उनके साथ तमाशा कर रहे थे। और मैं आप जैसे प्रवक्ताओं को कोट करता हूं जो उन अतिथि शिक्षक बहनों के साथ बैठकर उनकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आप मुझे बताइए, आपने नियमित करने की दिशा में क्या कदम उठाया? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में? केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़, अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों सर, के मेरे साथ पास खत्म हो गया। मध्य प्रदेश लेकिन इतना है कि पहले अतिथि शिक्षकों की सेवाएं, बाद में उनको नियमित करने का वादा, और फिर जब सरकार आती है तो फिर कर देंगे, सरकारी चली जाती है, फिर नई सरकार, फिर नया वादा, फिर वही बात, और फिर अतिथि शिक्षक जब 10 साल पूरे कर लेते हैं तो फिर वो कर्नाटक हाईकोर्ट वाला वो नियम बता देते हैं कि 10 साल हो गए हमको, अब नियमित करिए, और बच्चे इंतजार करते रहते हैं टीचर का। और बीएलओ की भी अगर जिम्मेदारी मिल जाएगी तो फिर बात वही है कि बच्चे पढ़ेंगे कब, कैसे पढ़ेंगे? एक तो टीचर वैसे ही नहीं, और अगर 17 से 5 नंबर पर एमपी आ गया तो सिर्फ टीचर दे देने भर से पढ़ाई अगर अच्छी होने लगे तो पहले नंबर पर भी एमपी आने में कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरफ सरकार ध्यान दे तो बहुत मेहरबानी। धन्यवाद है आपका नेहा जी, अजय जी, सत्यप्रकाश सर, बहुत शुक्रिया।